नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। और शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स का सर्वे इस वक्त भी चल रहा है। आयकर विभाग की टीम दोनों ही दफ्तरों में कल से मौजूद है और बीबीसी के लेन देन से जुड़े कागजातों को खंगाल रही है। बीबीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन देन के ब्यौरे की जांच कर रहा है आयकर विभाग। इनकम टैक्स के मुताबिक बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के नियमों का वायलेशन किया है। बीबीसी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का पूरा काम मुंबई ऑफिस से ही ऑपरेट होता है, इसीलिए इनकम टैक्स की टीम दिल्ली के अलावा मुंबई में बीबीसी के ऑफिस भी पहुंची है। बीबीसी के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई से विपक्ष में बौखलाहट है। कांग्रेस समेत कई दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। आज मुकाबला में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे से चल रहा है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में इनकम टैक्स ने सर्वे के दौरान 2012 के बाद लेन देन का ब्यौरा मांगा है। सर्वे के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों को कुछ अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मिले हैं, जिसकी जांच आगे की जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के एनालिसिस में लंबा वक्त लग सकता है। बीबीसी के ऑफिस में दिल्ली और मुंबई समेत अलग अलग जगहों पर जो आईटी सर्वे किया जा रहा है, उसका जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब भी कई घंटे बीत जाने के बाद भी जारी है। मुंबई में हम बीकेसी के उस बीबीसी के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर कल सुबह 11 बजे के करीब आईटी की टीम यहां पर पहुंची थी। करीबन 8 से 10 ऑफिसर्स यहां पर पहुंचे थे। और आप ये जो तीसरी बिल्डिंग सफेद कलर के मेटालिक कलर में देख रहे हैं, उसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर फिलहाल जो आईटी के टीम के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार सर्वे उनके तरफ से किया जा रहा है। चूंकि ये जो इरेगुलरिटीज की कंप्लेन थी बीबीसी के अंदर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर, वो 2012 के लेकर कंप्लेन थी। इस वजह से 2012 से लेकर अभी तक के लेटेस्ट जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी की जांच की जा रही है, जिसमें एक बहुत लंबा समय लग रहा है। आपको बताते हैं आखिर बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स के सर्वे की वजह क्या है। बीबीसी पर पैसे ट्रांसफर करने में टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। साथ ही इंटरनेशनल टैक्स नियमों के उल्लंघन का मामला भी बीबीसी के खिलाफ बना है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों में भी हेरफेर का आरोप बीबीसी के ऊपर लगा है। बीबीसी के खिलाफ बड़े और गंभीर आरोपों के बाद इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। बीबीसी के खिलाफ एक्शन से तिलमिलाई कांग्रेस ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। इतिहास खंगाल खंगाल करके सरनेम पे चले जाएंगे कि गांधी हो या नेहरू हो, और इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा हजारों साल पुराना इतिहास सबको याद दिलाती रहेगी, अरे साहब आपके साथ ये बुरा हुआ। 20 साल पुराना इतिहास अगर बीबीसी ने निकाल दिया तो आपको क्या परेशानी हो गई? G20 पे जो हमें रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप मिली, चेयरमैनशिप मिल रही है हिंदुस्तान को, सबके लिए गर्व का विषय है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, बिल्कुल है मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, लेकिन इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बना हुआ है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए के शर्मा हैं हमारे साथ, ओमजी उपाध्याय इतिहासकार हैं, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये कार्रवाई बीबीसी पर हुई, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपकी मंशा इसके पीछे गलत थी। आप सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री का बदला लेना चाहते थे, आप डराना चाहते थे, इसी मंशा से ये कार्रवाई बीबीसी पर हुई। प्राची जी, मुझे बहुत आश्चर्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी और विपक्षी दल, इनका इसने जो भारत के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, ऐसी संस्थाओं से इतना स्नेह क्यों हो जाता है?
देश की संस्था के प्रति आपका अविश्वास है, लेकिन एक विदेशी संस्था जो एक बार नहीं कई बार भारत के प्रति षड्यंत्र रचने के कारण हमारे पीरियड में ही नहीं, कांग्रेस के समय की, मैं याद दिला दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि इंदिरा जी ने 1970 में, इसके बाद 75 में, इसके बाद राजू जी के शासनकाल में और अभी अभी मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में निर्भया के जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस पर बैन लगाया। 2 साल तक कांग्रेस ने इसे बीबीसी को प्रतिबंधित रखा। आज वो बहुत बड़ी ईमानदार संस्था खड़ी हो गई क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई और जिसे कोर्ट ने भी, मुझे उस पर बहुत कुछ नहीं कहना है, जिसको लेके कंधे में लेके घूम रहे थे। तो आज आश्चर्य है कि ये जो विदेशी जो षड्यंत्रकारी संस्थाएं होती हैं, जो समय समय पर भारत को, क्योंकि आज विश्व में भारत जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, जिस ढंग से विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, तो निश्चित तौर से विदेशों में बहुत सारे ये चलते रहते हैं, देश के प्रति बहुत सारी हम घटनाएं सुनते रहते हैं। आप मुझे आश्चर्य है कांग्रेस की, यानी दिवालियेपन पर, कि आपको जो है ऐसी संस्थाओं के प्रति स्नेह हो जाता और आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अभी कल मतलब उसमें वहां एक सर्वे के लिए इनकम टैक्स की टीम पहुंची ही थी, घंटे नहीं बीते होंगे, पता भी नहीं ये होगा कि क्या करने गई है, तब से कांग्रेस एकदम और विपक्ष बयानबाजी करने लगा, साहब ये तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये तो अत्याचार हो गया साहब, ये तो ये हो गया। अभी जांच पूरी नहीं हुई है, अनियमितता क्या क्या है ये चीजें सामने नहीं आई है, तब से साहब आप भी यहां पर ये आक्रमण हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राची जी नहीं, के शर्मा जी, उनका ये जो सवाल है, के शर्मा जी उनका जो ये सवाल है वो सवाल आपकी टाइमिंग को लेकर है। विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि अगर विदेशी संस्था जिसका दफ्तर इंडिया में है, अगर वो अनियमितता कर रही थी तो आपको डॉक्यूमेंट्री के बाद ही याद आया कि चलिए आइए कागजात खंगाल लेते हैं, दस्तावेज खंगाल लेते हैं और पता कर लेते हैं कि अनियमितता हो कैसे रही है। प्राची जी, इस देश में यही समय का सवाल ही तो बहुत बड़ा है, मैं यही तो कहता हूं, यही है कि इनके पास विषय है। लगातार अभी आपने अपने ही रिपोर्ट में दिखाया कि लगातार उनको नोटिस दी जा रही थी, वो उसका जवाब नहीं दे रहे थे। जब जवाब नहीं दे रहे थे तो क्या करें, इस बात का इंतजार करें कि समय जब कांग्रेस तिथि निकालेगी, मुहूर्त निकालेगी, तब वो जाएंगे वहां पर उसके यहां बात करने के लिए, संस्थाएं जाएंगी, संस्थाएं अपना काम अपने नियम अनुसार करती रहती। ठीक, कांग्रेस के मुहूर्त निकालने से तो नहीं होगा ना। चलिए ठीक, कैसे जो है राहुल गांधी खुश हो जाएंगे कि उनके मुहूर्त निकाले। चलिए ठीक है, मुझे लेकिन कांग्रेस कम से कम ऐसे षड्यंत्रों से बचे। ठीक है, मैं जवाब तो ले लूं कि ये सवाल विपक्ष क्यों उठा रहा है। अभय जी, के शर्मा जी का साफ कहना है कि अगर कोई संस्था, खासकर जो विदेशी संस्था है, अगर कोई गड़बड़ी कर रही है तो क्या हम ये इंतजार कर लें कि नहीं नहीं अभी रुक जाते हैं, आईटी विभाग ये इंतजार कर लें कि अभी रुक जाते हैं, चूंकि अभी डॉक्यूमेंट्री आई है तो सरकार पर लांछन लग सकता है, क्या ये सही है? प्राची जी, कमल कलम पर कहर ढा रहा है और अमृत काल में विष पिलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इतनी भी शर्म नहीं रही, उठाकर देख लीजिए, कम से कम 50 डिबेट आपको मिलेगी, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे भीमा कोरेगांव की घटना हो, चाहे अभी बीबीसी का इंसिडेंस हो, चाहे किसान कानून का आंदोलन हो, हर बार कहते हैं कि विदेशी षड्यंत्र है। कभी सूत्रों के हवाले से खबर, विदेशों से 100 करोड़ रुपया इन बैंकों में, आज तक कोई अकाउंट उसके बाद नहीं मिलता। बेशर्मी की इंतहा इतनी है, आज बीबीसी पर कह रहे हैं 2021 जुलाई में दैनिक भास्कर पर छापा मारा, 100 लोगों ने कम से कम उनके 10-15 बड़े संस्थानों पर, वो जयपुर में हो, भोपाल में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस बात का सच प्रकाशित कर दिया कि जो कोरोना महामारी का मौत के आंकड़े हैं, ये सरकार गलत बता रही है, और उन्होंने शमशान घाट के डेटा लेकर प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। भारत समाचार पर इन्होंने छापा मारा, किस मुंह से ये बात करते हैं? इन्होंने वायर के कार्यालय पर रेड किया, इन लोगों ने उसके बाद न्यूज़क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर रेड किया, और देखिएगा हूबहू यही प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज़क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री पर भी जब
छापा मारा था तो इनके प्रवक्ता आते हैं और कहते हैं ये विदेशी षड्यंत्र भारत को बदनाम करने का। अरे आसाब कुकर्म आप करो, कुकृत्य आप करो और बदनाम कहते हो कि भारत को किया जा रहा है। हू बहु यही इनके दोस्त अडानी के लिए तर्क देते हैं कि भारत बदनाम हो गया। अरे साहब वो ऑफशोर में शेल कंपनियां बनाकर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है उस पर कार्रवाई तो करते नहीं हो, बीबीसी पर कार्रवाई करते हो और कहते हो देखिए भारत को बदनाम कर दिया। अरे भारत और इनका यही काम नहीं रुकता, आप अगर राज्यों में भी जाकर देखेंगे तो आप बलिया चले जाइए, वो पेपर लीक की खबर अगवा पत्रकार बताए उनको जेल में ठूस दिया जाता है। मिर्जापुर चले जाइए, वहां नमक रोटी बच्चों को परोस रहा है मिड डे मील में, भ्रष्टाचार की खबर दिखा दे उस पर संगीन धाराओं में आरोप लगा, अपराध पंजीबद्ध कर देते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में आ जाइए, पत्रकारों को थाने में नंगा करके वीडियो बना करके वीडियो वायरल कराते हैं उनका कि आगे हमारी सरकार के खिलाफ मत छापना, इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे देश के इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए, उन्होंने कहा कि साहब प्रजातंत्र को बचा लीजिए। इतिहासकार, कलमकार, कलाकार अगर कहते हैं असहिष्णुता बढ़ रही तो बोले ये तो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं। किसान आंदोलन करने अगर सड़कों पर आए बोले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, कब थमेगा साहब? आप अच्छे काम कीजिए तो अच्छा प्रकाशित करेंगे। ठीक, आप पूर्वाग्रह रखते हैं, दुराग्रह एक छोटा सा मीडिया संस्थानों के। ठीक है, के शर्मा जी जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमान भी है उनको भी चर्चा में लाना है। अभय दुबे जी का सीधा आरोप यह है कि कब तक आप विदेशी ताकतों पर ये इल्जाम डालते रहेंगे कि जो भी कुछ हो रहा है वो विदेशी साजिश है इस देश को बदनाम करने की। प्राची जी, हमें विदेशी षड्यंत्रों से लड़ने की हमारे पास क्षमता है, हम बहुत अच्छे से लड़ भी सकते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि कांग्रेस उनके समर्थन में क्यों खड़ी होती है ऐसे षड्यंत्रों में। ये मैं एक बात याद दिला दूं अभय दुबे जी को कि इतना जो आप गीत गा रहे हैं लगभग जवान ही रहे होंगे आप अभय जी, याददाश्त अच्छी भी होगी आपकी। इस देश में लोकतंत्र की यदि हत्या हुई थी तो आपातकाल के दौरान में हुआ था और कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस समय 19 महीने तक मीडिया की तो बात छोड़ दीजिए, लाखों लोगों को आपने जेल में डाल दिया और मीडिया पर किस तरह अत्याचार किया था कभी आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, इसके बाद बोलने का साहस कीजिए। लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी आज हमको ज्ञान न दे इस बात का। और इसी पर मैं अभी कहा एक लाइन नहीं आपका उत्तर आया कि जब बीबीसी को आप लगातार प्रतिबंधित करते थे इसी निर्भया कांड के दौरान, जब इसी मनमोहन सभी अभी की याद यानी ताजा करा दे रहा हूं, यही नहीं एक कर्नाटक में चाइल्ड एक इशू था उस पर आपने बैंडेज पे लगाया। ठीक, और दो दो साल तक आप प्रतिबंधित करके रखे, आज आप उसके बहुत बड़े हितैषी बन गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उन ताकतों के साथ खड़े होते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे विदेशी जो षड्यंत्रकारी है उनके साथ खड़े होके आप भारत के प्रति डॉक्टर आशुतोष और ओमजी उपाध्याय बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष जी, अगर कहीं पर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है तो सीधे सीधे उसे अघोषित आपातकाल कह देना क्या ये जायज है? क्या ये हमारी एजेंसियों पर सवाल खड़े करने जैसा नहीं है? हमारे अधिकारियों की निष्ठा पर सवाल खड़े करने जैसा नहीं है? प्राची जी, क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, ये दोनों एक ही ताली के अट्टे बट्टे हैं। एक ने 47 साल पहले किया था और एक आज कर रहा था। हम समाजवादी तो उन्हीं से लड़के आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब बीजेपी, जब आज बीबीसी की बात हो रही थी, क्योंकि हम सब लोग, जितने भी लोग आपके दर्शक सुन रहे हैं, बचपन से बीबीसी लंदन और ये सब सुनते रहे हैं, तो मैंने भी जानने की कोशिश करी कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या बीबीसी भी ऐसा कर सकता है। कुछ मेरे दोस्त भी हैं जानने वाले, उन्होंने कुछ बातें बताई। और जब आप जैसे, आप तो पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जब इसकी हकीकत पता चली तो मुझे पूरे के पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनके स्ट्रक्चर पे, उनकी मानसिकता के ऊपर ऐसी हंसी आ रही है, और शायद अगले 2 मिनट में आपको भी हंसी आएगी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी कन्फ्यूज पार्टी है और पूरे देश में वो कन्फ्यूजन फैला के रखी है उसने। अब आप देखिए कितनी मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भाई जब रेड आईटी वालों ने डाला है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुहाई क्यों दे रहे हो? आप तो अपने आप को खुद ही संलिप्त बता रहे हो कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की आपकी स्थिति है। और आप देखिए बीबीसी का जो स्ट्रक्चर समझता है, बीबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली 4 लेग्स होते हैं इसमें, डोमेस्टिक बीबीसी,
जिसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज, फिर एक पार्ट होता है इसकी बीबीसी स्टूडियोज जो पहले बीबीसी इंटरप्राइजेस के तरीके से चलती थी, और एक बीबीसी एक्शन मीडिया, मीडिया एक्शन। अब परेशानी यह है कि जो बीबीसी डोमेस्टिक जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसकी फंडिंग कहां से होती है? इसकी फंडिंग ब्रिटेन में रहने वाले हर एक ब्रिटेन नागरिक लगभग 200 पाउंड प्रति वर्ष देता है, जिससे उसकी फंडिंग होती है। तो एक तो वो कहानी है। अब दूसरी है बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज, जिसके वहां आप बात कर रहे हैं, उसकी फंडिंग कहां से होती है? ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्ट्री उसमें ग्रांट देती है, ये उससे चलती है। तीसरी है बीबीसी स्टूडियोज, जो कमर्शियल वेंचर है 20-25 देशों में, बहुत ज्यादा बजट नहीं है, इंडिया से भी थोड़ा बहुत आता है, सुने 6-7 हज़ार करोड़ का टोटल बजट है इसमें। और तीसरा है बीबीसी एक्शन मीडिया। जो बीबीसी एक्शन मीडिया है, ये बेसिकली पूरे देश में, पूरे विश्व में कई परोपकारी काम करता है और संस्थाओं की मदद लेता है। हाँ। जिसमें नाम लिया गया कि भाई नहीं नहीं, एक मिनट प्राची जी, इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये पूरी पूरी पोल खोल देता है। हाँ। जैसे कुपोषण के लिए बात हो रही है, भारत में लेप्रोसी पे काम हुआ, सेफ्टी ड्रिंकिंग वाटर की हुआ, प्रेग्नेंट वुमन की हेल्थ के लिए बात हुआ, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि देखिए होती है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बीबीसी का स्ट्रक्चर तो आपने समझा दिया, लेकिन इससे पोल के उसकी किसकी खुल रही है? क्योंकि जो इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी है, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि बार बार नोटिस दिए गए। मैं मेरी बात पूरी हो जानी भी, अरे आप क्यों परेशान हो रही भाई? मैं भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा हूँ, अब देखिए थोड़ा सा बीबीसी के स्ट्रक्चर को समझाने लगे थे तो बात पूरी होने दीजिए ना। मुद्दे पर लाई थी, मैं परेशान नहीं हो रही, आप बात नहीं, इतना समय भी नहीं लिया मैंने, बहुत शॉर्ट में बताया है आप मेरी बात। तो अब क्या हो गया कि रेड पड़ रही भाई, वित्तीय नित्य अनियमितता के लिए छापेमारी, या फिर आप जो कह रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, ये बात समझ में आती है? तो आप उस डिपार्टमेंट में जाइए ना, बीबीसी एक्शन मीडिया में डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी डोमेस्टिक वाले ने, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं संपादकीय लाइन पे, और आप रेट डाल रहे हैं आर्थिक गड़बड़ी पे, मतलब आप अपने आप में कंफ्यूज हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद पे बैठे हुए लोगों की बौखलाहट है, जो अपने आप में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो संपादकीय से परेशान है कि आर्थिक गड़बड़ी से परेशान है। अगर आर्थिक गड़बड़ी से परेशान है तो आईटी को काम करने दीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई क्यों दे रहे हैं? आप तो किसी नहीं परेशान है तो आप रेड क्यों मार रहे हैं? आशुतोष जी, मेरा जो बड़ा सिंपल सा सवाल था, क्लियर सा सवाल था, इसका आप मुझे जवाब दीजिए। अगर किसी संस्था में अनियमितता पाई जा रही है और आईटी विभाग की जो टीम है वो पहुंची है उसके दफ्तर में सर्वे करने के लिए, छापेमारी भी नहीं कर रहे, तो ये गलत है या सही है आपकी नजर में? नहीं नहीं, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कहता हूं जैसा पहले की आपातकाल में हुआ है वैसा यही है। अभी अवैध विभाजन इतनी लंबी लिस्ट गिना दी है, 75 में भी ऐसा ही हुआ था। और वही भैया, अभी अभी मैं उनका देखा था, अमित शाह जी का ट्वीट आया था जून में कि भाई जिस समय आपातकाल लगा था अखबारों पे पाबंदी लग गई थी, सरकार उन्हीं की चल रही है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, आप इसे अघोषित आपातकाल तो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही थी, एक छोटा सा सवाल था, किसी संस्था के खिलाफ अगर गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, आईटी विभाग की टीम पहुंचती है, वो पहुंचना सही है या गलत? बस हाँ या ना बता दीजिए, सही या गलत। बिल्कुल यही शिकायत हिंडनबर्ग के लिए पहुंच रही है, उस पर बात ही नहीं हो रही है। आप समझिए कितनी मजेदार बात है, शिकायत पहुंची नहीं बीबीसी के लिए, वहां पहुंच गए, हिंडनबर्ग के लिए पूरा देश कह रहा है अगर बात तो कर लो। अच्छा, लेकिन एक चुप हजार चुप, ठीक है। आप खुद समझिए, देश को देख ही रहा है, मजेदार तो नहीं है। आपको ऊपर भी शक हो रहा है, मैं आ रही हूँ केके शर्मा जी आपके पास, ओम जी उपाध्याय जो ये अघोषित आपातकाल, शर्मा जी को समझ में नहीं आएगा घटनाक्रम को कहा जा रहा है, शर्मा जी को समझ में नहीं आएगा, मजबूरी आपातकाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक दफ्तर पर छापा मारना क्या इतनी बड़ी बात है? उसे क्या वाकई में ऐसे देखा जाए कि बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है सरकार? प्राची जी, एकदम ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे आईटी की रेड होने को, आईटी के सर्वे होने को अघोषित आपातकाल कह दिया जाए। आपातकाल जिन लोगों ने देखा होगा या जिन लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा, उनको ठीक से ये ज्ञान होगा, ठीक से ये जानकारी होगी कि आपातकाल में हुआ क्या था। पूरे प्रेस पर प्रतिबंध, नागरिकों के सभी अधिकारों की समाप्ति, जितने राजनीतिक विरोधी थे, जितने राजनीतिक प्रतिपक्षी थे, सबको उठा के जेल में डाल देना,
जितने प्रतिपक्षी एक तरह से संस्थाएं थी उनका क्या हस्त्र हुआ, ये सबकी जानकारी में है। इसलिए इसको अघोषित आपातकाल कहना और अमृतकाल का मजाक उड़ाना ये बड़ी अजीब सी बात है जैसा मुझे लगता है। एक बात दूसरी कि अगर आईटी डिपार्टमेंट टैक्स इवेजन को लेके, टैक्स चोरी को लेके या टैक्स में कुछ गड़बड़ी को लेके लगातार किसी संस्था को नोटिस दे रहा है, उसके बाद वो सर्वे कर रहा है, तो केवल इस एंगल से उसको देखना कि इसकी टाइमिंग क्या है, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आई उस समय हो रहा है, इस पे भी मुझे लगता है कि एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जो बीबीसी की पत्रकारिता है, अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने बहुत कई सारे चीजें गिनाई कि बड़े परोपकार के काम, बहुत सामाजिक सरोकार के काम बीबीसी करता है, जरूर करता होगा, कुछ काम जरूर करता होगा, लेकिन मैं तीन चार चीजें आपके माध्यम से अपने दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अपने ही एक कार्यक्रम में जो लश्कर का कमांडर था आतंकी बुरहान वानी, उसको बीबीसी कहती है ये करिश्माई युवा क्रांतिकारी है। बीबीसी ने यही टर्म यूज किया उसके लिए, यही फ्रेज यूज किया है। ये किस स्तर की पत्रकारिता है भाई? भारत के मन की, भारत के त्योहारों की उसको कितनी समझ है पता नहीं, लेकिन होली को वो कहते हैं कि वो गंदा त्योहार है। हमारे एक पवित्र त्योहार को उसको हम किस तरीके से मनाते हैं उसकी अगर समझ आपकी नहीं बनती तो ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। लेकिन हमारे इतने पवित्र त्योहार को वो कहते हैं ये गंदा त्योहार है। गांधी पे उनका स्टेटमेंट है कि 46 में वो आजाद कराने में असफल रहे, विफल रहे। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो बीबीसी की हैं वो निश्चित रूप से किसी भी देश के मन पर प्रहार करने वाली तो है ही। अच्छी चीजें भी कुछ होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये स्थिति है। अब इन स्थितियों में अगर और वो भी एक प्रोसीजर के तहत, एक पूरी प्रक्रिया के तहत, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे नोटिसेस देने के बाद जब उसको पर्याप्त या संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है, ऐसे में अगर इनके दोनों ऑफिसेस पे वो आईटी के रेड कर रहा है या सर्वे कर रहा है, वो भी उसका अभी परिणाम क्या आएगा मालूम नहीं, अभी उसमें क्या निकलेगा ये पता नहीं, लेकिन उनके अपने इनपुट्स के आधार पर अगर वो कर रहा है तो इसको इतना इस पे हाय तौबा क्यों मचना चाहिए? ठीक है अभय दुबे जी, यही सवाल है कि इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है? के शर्मा जी ने भी अभी बताया ना उदाहरण देकर कि जब आपकी सरकार थी तब भी आपने बैन लगाया था, बीबीसी पर बाकायदा दफ्तरों पर ताले डाल दिए गए थे, वो जब ठीक था तो ये गलत कैसे है? देखिए, पहले तो ओम जी ने जो कहा तो उसके आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो उप मुख्यमंत्री थे निर्मल सिंह, उनको भी बिहाइंड दी बार्स कर देना चाहिए। वो तो 25-30 लाख रुपए का मुआवजा बुरहान वानी के परिवार को देने के लिए पहुंचे थे। वो तो कहते थे दुर्घटना थी, ये तो बुरहान वानी आतंकी नहीं था, देख लीजिए आप गूगल कर लीजिए, उस समय बड़ी बात इस पर बोलते हैं। आप सिर्फ देखिए, सुनिए ना, आप एक के बाद एक साथ सुनते जाइए, यही आधार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सैफुल्ला फारूक जैसे आतंकवादी को टिकट दिया जान करके, 10 साल उसने जेल में बिताई, पंडितों की हत्या में आरोप सिद्ध हुआ उस पर, 1 साल पाकिस्तान की ट्रेनिंग लेकर आया। तारिक अहमद मीर जिसको गांव वालों ने पकड़ा, उसको विधानसभा का टिकट इन लोगों ने दिया, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, अमित शाह साहब के मंच पर खड़ा होता था, तालिब हुसैन। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, इसको छोड़िए। आपने बहुत इमरजेंसी के उदाहरण दिए प्राची जी, इतिहास के पक्षों से सीखकर हमको भविष्य को संवारना चाहिए। अगर इतिहास में हम लोगों ने, हमारे प्रजातंत्र ने गलतियां की जैसा स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा, तो क्या उसी को आधार बनाकर हम ये बर्बरता करेंगे? एक के बाद एक फ्रेश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 150वें स्थान पर आ गए। आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिएगा, उत्कृष्ट भाषण होते हैं प्रेस की फ्रीडम को लेकर, लेकिन असली में क्या हो रहा है ये दिखाई दे रहा है। मैंने आपको लंबी फहरिस्त बताई, और सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सच उजागर करते लोग तो जेल में डाल दो, ताकि कोई आवाज उनके खिलाफ मुखरता से नहीं खोल पाए, और जो संस्थान आरती उतारते हैं उनको आप पल्लवित पुष्पित करते जाओ, तो ये प्रजातंत्र। लेकिन अभय जी, एक सवाल का जवाब मुझे स्पष्ट दीजिए सर, स्पष्टता से बताइएगा। जो बैन लगाया गया था, इंदिरा गांधी ने जो बैन लगाया था बीबीसी पर, उस वक्त एक आर्टिकल को लेकर, एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिसमें भारत की गरीबी दिखाई जा रही थी, क्या वो बैन सही था या गलत था? देखिए, मैंने तो उन संदर्भों का ना तो अध्ययन किया है, ना मैं उस समय उस समझ विकसित थी, लेकिन एक बात मैं साफ कह दूं, भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही कि भारत के खिलाफ
आज ये भारत के खिलाफ नहीं है। अगर ये अतीत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री है तो उसको कहते हैं भारत के खिलाफ। और अडानी जी का कौन सा भारत के खिलाफ हो गया? वैश्विक षड्यंत्र हो गया। अब मुझे बताइए ना, हाथरस में कौन सा वैश्विक षड्यंत्र था? देख लीजिए, कहते विदेशों से 100 करोड़ रुपए आए, भीमा कोरेगांव में 100 करोड़ रुपए आए। अरे साहब बंद कीजिए ये बकवास करना। भारत का हित अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले प्रेस की फ्रीडम को सुनिश्चित कीजिए। उसके बाद अगर सबसे बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई कोई करनी है तो ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, लाखों करोड़ रुपए का घपला हुआ। और जानते हैं, एक चीनी उद्योगपति की भी शेल कंपनी है जो हिंदुस्तान की एजेंसियों की रडार पर है। अडानी मामले में जांच नहीं कराएंगे लेकिन आप बीबीसी के दफ्तर पर आईटी विभाग की टीम जरूर भेज देंगे, डर का माहौल जरूर पैदा करेंगे कि आपके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो आप उसकी आवाज को दबाएंगे। देखिए प्राची जी, अडानी मामला, जो अडानी जी का मामला है वो ऑलरेडी कोर्ट पे है, कोर्ट में उसमें सुनवाई चालू हो गई है, कोर्ट वो उसमें जांच जो है बैठा रहा है, उन्होंने टीम गठित करने की भी बात कही है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि उस पर जांच नहीं हो रही, जांच उस पर चालू है। बकायदा उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने भी, आरबीआई ने भी, सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट वहां पर दिए हैं और ये बताया कि हमारे यहाँ भी उसकी जांच चल रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑन पेपर हैं। इसलिए ये आप मत कहिए इतने बड़े चैनल से कि इस पर जांच नहीं हो रही, जांच हो रही। अब मैं दूसरी बात आता हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब नहीं मिला तो कश्मीर भाग गए, यहाँ भाग गए, कहीं बलिया कहीं चमची कहाँ कहाँ घूम रहे हो। आश्चर्य ये है कि इनको आज ये सूझ नहीं रहा है क्योंकि ये गलत स्टेप तो उठा चुके हैं। अभी अभी इसी जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, मैं उस डॉक्यूमेंट्री के उस पर नहीं जाऊंगा लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो आ चुका है स्टेटमेंट कि ऑलरेडी क्या है उस डॉक्यूमेंट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले पर 2012 में अपना फैसला क्लियर कर दिया हो, जिस मामले पर, उस पर उस फैसले को चुनौती देते हुए फिर से गलत बातों को दिखाने की कोशिश उसमें की गई, इसलिए उस पर वहां भी वो भी मामला कोर्ट में क्या कोर्ट में भी वो सॉल्व हो गया। अब मुझे आश्चर्य है, जो अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट कर दिया मामले को, उन्होंने कहा एक बीबीसी डोमेस्टिक होता है, एक बीबीसी ये होता है, एक बीबीसी ये होता है। अरे भाई, जिसने डॉक्यूमेंट्री, आप ही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला कोई और है, छापा कहीं सर्वे कहीं और हो रहा है, तो फिर आप इस बात को कैसे कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री के साथ इसका कोई लेन देन है? तो आपने तो क्लियर कर दिया इस विषय को। वैसे समाजवादियों को इतना बड़ा आदर्श की बात बताना, पत्रकारिता, ये हमें आज शोभा नहीं देता क्योंकि आपके जो कुकर्म है वो दिख रहे हैं। आपके पास अब काम रह गया रामचरितमानस के पन्ने फाड़ना, आग लगाना, जलाना, जाति मतभेद पैदा करना, जातियों के अंदर जहर बोना, यही काम आपके पास रह गया क्योंकि आपके पास मुद्दे उद्दे कुछ बचे नहीं है, तो आप यही कर रहे हैं। आपके नेता भी यही काम कर रहे हैं, रामायण फाड़ रहे हैं, रामचरितमानस फाड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आप जब जब बोल रहे हैं बीबीसी पर हुई कार्रवाई पर, तो आपके मुंह से भी डॉक्यूमेंट्री शब्द कई बार निकल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शर्मा जी जरा क्लियर कर दीजिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री की वजह से छापे पड़े हैं या फिर ये आईटी विभाग पहले से अनियमितता देख रहा था उसकी वजह से छापे पड़े, क्लियर करिए सर पहले। प्राची जी, मैं इसलिए बार बार इसको, यानी मेरे उससे आ रहा है क्योंकि कल जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो यही आरोप लगाए हैं ना, हाँ। कि डॉक्यूमेंट्री उन्होंने दिखाई बनाई, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं, इसलिए इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है और उसकी मैं प्रीफेस आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी बात, अभी अभी समाजवादी पार्टी की एक बात कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने एक लाइन बोली कि कल जब ये आईटी का वहां सर्वे होने लगा, हेलो बोलिए बोलिए केके शर्मा जी, तो आईटी का सर्वे होने लगा तो भाजपा प्रेस के करने क्यों चली आई? अरे साहब, आपको फिर या तो कुछ जानकारी ही नहीं है। जैसे मैं तो पहले ही आपको बताया कि जैसे वहां पर टीम पहुंची, जयराम रमेश, राहुल गांधी, पूरा कांग्रेस ब्रिगेड ट्वीट करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, आपको उनका बयान नहीं है जयराम जी का? जवाब दीजिए, हमने जब हम पर आप गलत आरोप लगाए तब हमने प्रेस किया। सरकार बीजेपी अगर अपनी तरफ से अपनी बात रख दे तो आपको लगने लगता है कि कवर अप कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, थोड़ा सा पढ़ लिख कर आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी इस पर प्रतिबंध लगाने की, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम कैसे बैन कर सकते हैं। विचार करना चाहिए कि जब G20 की रोटेशनल
चेयरमैनशिप हमारे पास है, उनके सब ग्रुप की मीटिंग्स चालू हो गई, तब विश्व भर के अखबार क्या लिख रहे हैं एक बार पढ़िए तो सही इस आपके कुकर्म पर। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, आप वही पढ़ेंगे, वॉल स्ट्रीट जनरल देख लीजिए, आपको पढ़ने के लिए वही दे दिया। भारत तो, भारत वाले तो आपको बाहर निकाल चुके हैं, अब आप विदेश की पढ़ाई करिए, विदेश के पेपरों पर आप विचार कीजिए, विचार कीजिए। नहीं नहीं, आप विदेश, आप विदेश के पेपरों पर ही जिए, भारत जी कांग्रेस सब भारत में तो बची नहीं। और आपने आपने कहा कि हम लोग उदाहरण दे रहे हैं कि बलिया चले गई, तो विचार तो कीजिए एक बार कि क्या हश्र करके रख दिया है आपने। अरे विरोध का स्वर अगर है तो वो सरकार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सरकार का रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन आप वो रास्ता देखना नहीं चाहते, आप तो फांसीवाद के रास्ते पर चल रहे हैं, जो बोलेगा उसका गला दबा दिया जाएगा। आप ये अमृतकाल कह रहे हैं इसको? इतिहास जब लिखा जाएगा इस अमृत काल का, तो ये सारी विभत्स घटनाओं का उल्लेख किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इन सारे अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए। अबे जी, अगर मैं बीबीसी की सिर्फ बात करूं, बीबीसी में जो आईटी विभाग की टीम पहुंची, मैं उसकी बात करूं, तो इसमें कांग्रेस को विभत्स क्या नजर आ रहा है? आप थोड़ा सा स्पष्ट बताइए कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है, बार बार नोटिस दे रहा है आईटी विभाग, टीम वहां पर सर्वे करने पहुंच गई, तो आपको कैसे लग गया कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है? प्राची जी, आपने को मैंने इतने सारे नाम गिनाए, बताइए ना आज क्या स्टेटस है उनका, दैनिक भास्कर का, न्यूज क्लिक का, न्यूज लॉन्ड्री, आप उठाकर गूगल कीजिए, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक पर तो इन्होंने बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके प्रवक्ताओं ने, कि एक विदेशी षड्यंत्र भारत को बदनाम करने का, ये सिर्फ आवाज बंद करना चाहते, इनका उद्देश्य सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद ये बात करना भी बंद कर देंगे, सिर्फ ये भयाक्रांत करना चाहते हैं मीडिया संस्थानों को, ताकि वो सच नहीं दिखाए इनके खिलाफ। जल्दी से 10 सेकंड में, देखिए इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से आशुतोष जी भी, आपकी बातों का जवाब देना। प्राची जी, इतना पूछना चाहता हूं, इस देश के प्रतिष्ठित चैनल, आपका भी सबसे प्रतिष्ठित चैनल है इंडिया टीवी, और भी चैनलों का मैं नाम ले लेता हूं, इंडिया टीवी, आज तक है, एबीपी है, न्यूज 18 है, और कई इंडियन एक्सप्रेस है, जागरण है, तमाम समाचार पत्र भी है। कोई एक बार एक लाइन बता दे, आप तो स्वयं इंडिया टीवी से, आप ही बता दीजिएगा कि आपके ऊपर कोई प्रतिबंध है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है? एक केवल कांग्रेसियों का एक धर्म बन गया है कि इनको झूठ बोलना है, चुपचाप रहो तो मुश्किल है, कैसे लड़ते शिकायत होती है, और ये आरोप लगाते हैं एकरों पर कि आप मिले हुए, यानी आज इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं देश का, चर्चा करनी है किस पर चर्चा नहीं करनी है, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और ये मैं और मेरा चैनल ही डिसाइड करेगा कि मुझे किस पर चर्चा करनी है और किस पर नहीं। ओम जी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले डॉक्टर आशुतोष जी, आप जवाब देना चाह रहे थे के शर्मा जी की बातों का, वो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए की ना क्योंकि आपने आरोप की झड़ी लगा दी हम पर, जैसे इनकम टैक्स की टीम पहुंची बीबीसी दफ्तर में, जैसे ही कदम रखा आपने बताना शुरू कर दिया घोषित आपातकाल। प्राची जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से इतनी ही उम्मीद थी, मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, मैं तो पूरी पूरी भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ कि वो समझ ही नहीं पाए, और मुझे बड़ा दुख लगा कि मैंने बड़ा अच्छा समझाने की कोशिश करी बट नहीं समझ सकते आप, खैर छोड़ दीजिए, समझ आपको, आप अभी भी समझ नहीं पाए कि मैं क्या बोल पाया हूँ। खैर हाँ, रखिए अपने पास पूरा पूरा विश्व तो हंसी रहा आपके ऊपर, आपने तो मजाक बनाई दिया है, मुबारक हो आपको। देखिए बीबीसी का, बीबीसी के ऊपर राष्ट्रविरोधी क्या, मैं कोई बीबीसी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात आपके दर्शकों के द्वारा बता दूं कि जो मारतुली साहब है, मारतुली साहब खुद ब्रिटिश है और उन्होंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता छोड़ के इंडियन नागरिकता ले ली है, तो एक तो वो देशद्रोही वहां तब हो गए थे, और दूसरा जो उनकी वाइफ है जेवियर, उन्होंने खुद पूरी पूरी प्रेमचंद की सारी चीजों का अनुवाद कर रखा है, तो राष्ट्र विरोधी लोग किस तरीके से होते, बात राष्ट्र विरोधी की नहीं है, चाहे वो न्यूज क्लिक की हो, चाहे न्यूज लॉन्ड्री की हो, चाहे वायर की हो, चाहे भारत समाचार की हो, चाहे दैनिक भास्कर की हो, और चाहे चाहे बीबीसी की हो, इन सबके अंदर निहित क्या है, इस संदेह निहित ये है कि ये कलम झुकी नहीं कभी, और जब झुकी नहीं तो इनको तोड़ने की कोशिश की गई, और जब तोड़ने की कोशिश की गई तो टूटी नहीं, असल में ये खीज है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए आप जाके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और कोई वजह नहीं है।
डॉक्टर आशुतोष जी, बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी के शर्मा जी भी यही कह रहे हैं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं, या आईटी विभाग की अगर मैं बात करूं, जो उनका स्टेटमेंट है शायद आपने पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ है संपादकीय से कोई मतलब नहीं है, जो अनियमितता मिल रही थी उसको लेकर जांच प्रेस कॉन्फ्रेंस संपादकीय में थी। नहीं नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस संपादकीय में थी, आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके, इन्हीं के तरीके से एक और कलाकार पत्रकार वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरे जाइए अपने आपकी पार्टी संपादकीय भी आपने पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगा के शर्मा जी, दिक्कत प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। जी आपने प्रेस मुझे नहीं, मुझे है कि ये खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं, ये खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम किस पे रोक लगाएं। भारतीय जनता पार्टी टोटल कंफ्यूज हो चुकी है कि हम करें क्या, हर तरफ से उनको परेशानियां मिल रही है कि एक आदमी को बचाने के लिए हम कहां तक गिर के जाएं, और वो हो नहीं पा रहा, वो हो नहीं पा रहा। देश की जनता जान चुकी है कि क्या हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ गई बार बार, आशुतोष जी यही सवाल पूछ रहे हैं आपसे, चोर की दाढ़ी। मैं आपको बता देता हूँ क्यों जरूरत पड़ गई। पहली बात तो ये है कि इनको जानकारी नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर थी, पहले उनको पढ़ के आना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी बात, इनको ही अपने नेता का ट्वीट नहीं पता है और बयान नहीं पता है। अखिलेश यादव जी का बयान जो है 1:30 बजे ही सारे चैनलों में फ्लैश हो गया, और उन्होंने भी यही बात कही कि लोकतंत्र पे हत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब ये भाजपा के ऊपर ये आए, वो तो आईटी अपना रेड कर रहा है। पहले पूरा देश अडानी अडानी चिल्ला रहा था, तब नहीं हो पाई थी, तब मुंह से आवाज नहीं निकली थी, पूरा देश अडानी अडानी चिल्ला रहा था लोकसभा के अंदर, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया। मैं आ रही हूं अभय जी, बहुत देर से हम जुड़ रहे हैं। मैं प्राची जी, इतना इनको बता दूं कि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे हुई। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे, पूरी चर्चा का समय निकल जाएगा। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको पता नहीं है कुछ, ये केवल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है उपाध्याय, इसलिए क्योंकि इनको इनके अपने नेता का ट्वीट नहीं पता है कि क्या बोल रहा है सरकार में। इनके नेता ने, रुक जाइए के शर्मा जी, इनके नेता ने क्या लिखा इनको नहीं पता है और ये डिबेट कर रहे हैं। के शर्मा जी, रुक जाइए। उपाध्याय जी, प्राची जी, कोई बात नहीं, दो बिंदुओं पे केवल अपनी बात समित करूंगा, दो बिंदुओं में अपनी बात करूंगा। मुझे ठीक से आंकड़ा नहीं अभी ध्यान में है, लेकिन आप भी ये जानती हैं कि इस देश में हजारों की संख्या में अखबार, न्यूज साइट्स, न्यूज चैनल्स हैं, हजारों की संख्या में हैं। अब आप ये सोचिए कि जिन दो जो तीन चार नाम लिए जा रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही की गई या इनको प्रतिबंधित कुछ मुद्दों पर किया गया, एक बार मैं आपसे अपील करता हूं और आपके माध्यम से देश भर में देख रहे दर्शकों से अपील करता हूं कि उनकी तटस्थ भाव से कोई भी 10 आर्टिकल्स उनके उठा के पढ़ लें या 10 कार्यक्रम देख लें। अगर ऐसा न लगे कि वो भारत के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विश्वास, जिस पे हमको गर्व है, जिस पे हमको गर्व होना चाहिए, उस पे वो कुठाराघात कर रहे हैं या उस पे वो अनर्गल बातें लिख रहे हैं, अनर्गल बातें प्रसारित कर रहे हैं, तो आप कहिएगा कि ये अनुचित कार्यवाही है, नंबर एक। नंबर दो, एक नाम बैन कर दीजिए, बैन कर दीजिए ने या किसी ने लिया कि मार्क टुली का नाम लिया, ऐसे एक दर्जन नाम मैं बता सकता हूं, वो मिसेल डैनिने हो, फ्रेंको गौतिये हो, जो फ्रेंच पत्रकार हैं, डेविड फ्रॉले हो, कोनरेड एल्स्ट हो, आप एक बार उठा के देखिए उनको कि कितना गजब का विवरण वो भारत के लिए देते हैं, विदेशी होकर भी। और अगर अनर्गल प्रलाप किया जाए भारत की किसी भी संस्कृति परंपरा के विरुद्ध, जिसका कोई आधार न हो, तो ऐसे पे कोई कार्यवाही तो जरूरी होती ही है। जी अभय जी, विपक्ष से अगर कोई देश का मन तैयार होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा विकल्प है कि देश का मन इसके लिए तैयार हो। अभय दुबे जी, अगर विदेश से कोई प्रोपोगेंडा चल रहा है, देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, तो उसमें विपक्ष के सुर में सुर क्यों मिल जाते हैं? प्राची जी, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं ओम जी, दैनिक भास्कर हो, न्यूज क्लिक हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, देश की संस्कृति के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार की संस्कृति के खिलाफ लिखा है उन्होंने, उसमें आपको देश के खिलाफ लिखता है। पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतनी देर से राग अलाप रहे हैं, क्या हुआ? भाग मुकुल भाग, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुकुल रॉय के खिलाफ, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की असम में गुवाहाटी में जाके हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, लुईस बर्जर का केस, विदेशी फंडिंग से पैसा खाया, बुकलेट निकाली उसके खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्या हुआ? कहां है ये लोग?
अमित शाह साहब से पूछा गया हेमंत बिस्वा सरमा का, 2016 का प्रेस नोट है मेरे पास, उन्होंने कहा नहीं कार्रवाई करेंगे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो हम तटस्थ कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती साहब, जो इनके स्वर में स्वर मिला ले, इनकी वॉशिंग मशीन में से धुलकर निकल जाए वो साफ सुथरा कहलाता है, नहीं तो ये ऐसा दमन करते रहेंगे, दबाव की राजनीति करते रहेंगे। किसी मीडिया संस्थान जो अब जिसका बैकबोन है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत किए हुए है, उसको तोड़ने की ये कोशिश करते हैं। ये हमारे समय अगर हुआ तो हमारे समय भी खिलाफत हुई, दृढ़ता से लोगों ने बोला और वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, ये होना चाहिए। विपक्ष का दायित्व यही है, देश के सारे मीडिया संस्थानों का दायित्व यही है कि वो सरकार का मार्ग प्रशस्त करते रहे, सरकार गलत करती है तो वो मुखरता से दिखाए। जितने विश्वभर के विद्वानों के नाम लिए गए चैनल पर पत्रकारों के, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ आजादी है हिंदुस्तान में साहब, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ जितनी आजादी दोगे उतना प्रजातंत्र परिपक्व होगा और होना चाहिए। सरकार को डरना नहीं चाहिए, सरकार को इससे सीखना चाहिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि सरकार इतने ऐसा भयाक्रांत क्यों, ऐसा क्या काम कर रही काले कारनामे कि डरना पड़ रहा है उसको। अगर काले कारनामे करेगी तो वो छपेगा और दिखाया जाएगा, और प्राची जैसी मूर्धन्य पत्रकार दृढ़ता से उस आवाज़ के शर्मा जी दो सवाल और हम सब लोग उनके साथ। के शर्मा जी दो सवाल जो अभी अभय दुबे जी ने पूछे हैं, पहला सवाल तो ये है कि आप कब तक इतिहास की बातों को लेकर बैठे रहेंगे, कब तक आप इतिहास की बातों को पीटते रहेंगे और कांग्रेस के जमाने में जो गलतियां हुई हैं आप उनको गिनाते रहेंगे और पूरा ठीकरा उस पर फोड़ते चले जाएंगे। दूसरा सबसे मुख्य सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये कि आपको विरोधियों में ही क्यों खोट नजर आता है, आपके विरोध में कोई सुर फूट पड़े तो आप तुरंत वहां पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, छापेमारी शुरू हो जाती है, लेकिन आपके अंदर आपको एक भी दाग नजर नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं प्राची जी आश्चर्यचकित हूं, ये आईना तो दिखाना ही पड़ेगा ना विपक्ष को, जब वो बेवजह की जो आरोप लगाएंगे तो आईना दिखाना पड़ेगा। अभी अभी जब मैंने बोला यानी पूछा कि निर्भया के समय पे जब इसी ने बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, अभय जी तो प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, कूद कूद के चिल्लाते थे निर्भय कांड में, इनको पता नहीं था कि बीबीसी को बैंड किया गया उस समय, कह रहे मेरे संज्ञान में नहीं है। कर्नाटक में जब बच्चे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी उस समय कर्नाटक में भी इनकी सरकार थी, इनकी सरकार केंद्र में भी थी, इन्होंने ही प्रतिबंध लगाया, तब भी ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उस समय भी इनके कान में नहीं जूटेगा क्या? इतने अज्ञानी तो नहीं है अभय जी जो उन्होंने कह दिया कि मुझे पता नहीं है और मैं उस विषय में नहीं जानता। सच्चाई ये है कि प्राची जी इनको इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ये इस तरह के, क्योंकि आज इनके पास मुद्दे बचे नहीं है, डेवलपमेंट के कार्य के कारण और जिस ढंग से इस बार विकसित राष्ट्र के लिए जो 2047 की विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो बजट आया, इतना पॉपुलर बजट भारतीय जनता पार्टी का आया, उस पर ये कोई मीनमेक नहीं निकाल पा रहे हैं, जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उस पर कोई मीनमेक नहीं निकाल पा रहे हैं, इकोनॉमी पर कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तो आज इनकी समस्या ये बन गई है कि इस तरह के टूल इस तरह के टूल किट लेकर जगह जगह फिर से रह गया जो है अराजकता। सवाल रह गया के शर्मा जी, उस पर बड़ा पॉइंटेड जवाब दीजिएगा जो अभय दुबे जी पूछ रहे थे और जो सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि आपको विरोधी सुर अगर कोई फूट जाए आपके खिलाफ तो ईडी सीबीआई आईटी तमाम छापे उनके घरों पर दफ्तरों पर पड़ने लग जाते हैं, लेकिन वही चेहरे जब बीजेपी का दामन थाम ले तो एकदम क्लियर धुल जाते हैं तमाम दाग। नहीं मुझे प्राची जी बताइए किसको क्लियरिटी मिली है, जिनके ऊपर भी केस है सबके ऊपर चल रहा है। और मैं दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जिन पर ईडी के छापे पड़े, इनके पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम जी पर छापे पड़े, 6 महीना जेल में रहे, निकल पाए? ये तो इतने बड़े वकील थे इनके चिदंबरम जी, यही माँ बेटे इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल से बेल पर है जो है नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो क्या ये केस खत्म है? झूठा है क्या? ईडी ने कार्रवाई की, सीबी ने उसने कार्रवाई की, तो क्या उसमें चीजें नहीं निकल रही है? कौन से झूठे केस है? इनके शिव कुमार के 300 करोड़ रुपए कर्नाटक में पकड़े गए, क्या वो केस गलत है? ठीक, अबे तो कि वो विपक्ष का नाम है क्या? रुकिए रुकिए के शर्मा जी, कोई विपक्ष का नाम है या किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो क्या उस पर ईडी सीबीआई के छापे नहीं पड़ सकते इस डर से कि देखिए तो आरोप लग जाएगा कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो? नहीं, ये तो करते ही है, अभ्यास है। पूछिए ना, इन्होंने आरोप लगाया जिस पद को पाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे मोदी जी, वो त्याग दिया था सोनिया जी ने, और क्या हुआ उस केस का बताइए ना, नेशनल हेराल्ड के केस में ट्रायल कोर्ट क्या कह रहा है? ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूँ,
अरे सुन लो, अब बकवास। अरे भाई मैं नेशनल हेराल्ड में कहां कहां क्लीन चिट मिल गई उनको, कहां से क्लीन चिट मिल गई ना, जेल से बेल में है बाबे। के शर्मा जी सुन लीजिए, अरे ट्रायल को नहीं, झूठी बात कैसे बोल रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मैं 2 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूं और आपने केस का ट्रायल रुकवा क्यों रखा, ये देश को बताइए। ट्रायल कोर्ट में हमने थोड़ी ना किया भाई, तू जांच एजेंसी क्या करेगी बट कितना क्या बात। ट्रायल कोर्ट का बयान है ये भी बता दीजिए, ट्रायल तो केवल झूठ बोल रहा है, बढ़िया ट्रायल केवल झूठ बोल रहा है, जांच में आप शामिल नहीं होते, कुछ नहीं आपके पास, आपके पास जांच में आपके नेता शामिल नहीं होते। केसीडी ने क्लोजर फाइल कर दिया था 2015 में ही, इसने हटा दिया आपने। अरे इतना बड़ा झूठ मत बोला करो, डायरेक्टर को हटा दिया आपने जिसने क्लोजर फाइल किया था 2015 के केस में। उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, इसने कहा है, कहा है, एक कागज दिखा दो, राहुल जी वाले एक कागज दिखा दो, 6-6 घंटे ईडी के साथ बैठ के इनकी जांच हो रही है, क्लोजर फाइल किया है, इनका बेल बेल आप लेके बैठे हो मुकदमे में। आपके आप सिर्फ डरे हुए लोग हो, आप चाहते हो कि आवाज बंद कर दे, राहुल गांधी की चोरी पकड़ी गई है आपके खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए आपने जो भ्रष्टाचार आपने किया है उसकी सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी। आज भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, वो गांधी परिवार ही क्यों ना हो, ये पहली मोदी जी की सरकार है। शर्मा जी जरा बात कंप्लीट करने दीजिए। अबे जी चाची जी देखिए, ये सारा काम जो किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि इनके जो धन्ना सेठ दोस्त हैं उनकी खबरें प्रचारित होना बंद हो जाए। मैं विनम्रता से अपील करता हूं, कोई मुकदमा नहीं है, ये जो कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में क्या केस फाइल किया है, हिडनबर्ग की जांच के लिए किया गया, उसमें सरकार ने कहा कि हम कमिटी बनाने को तैयार है। ये हिडनबर्ग के जो खुलासा है उन शेल कंपनियों का, उसकी जांच का प्रश्न नहीं है, सरकार इनिशिएट करे। सरकार ने क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दिया है क्या, आपको जांच करनी चाहिए, हमने कहा है जेपीसी को इनिशिएट कीजिए या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मॉनिटरिंग में, क्योंकि सेबी का एक सर्विलांस डिविजन है जो डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट करता है। अगर इतना बड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है तो क्या उसको रिपोर्ट किया गया, साहस है क्या उसमें कार्रवाई करने का। इसलिए हम चाहते हैं कि एक जेपीसी गठित, डरते क्यों, कर दीजिए ना जेपीसी, आपके भी सांसद होंगे उसमें। तो चलिए मेरे पास समय समाप्त हो गया अभय जी, के शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।